वेल गाइज, मैं हूँ मूडी जे और मैं आपको आज बताने वाला हूँ फार क्राई 3 में अवेलेबल वेपन्स ऑप्शंस के। सो फार क्राई 3 में बहुत टाइप के वेपन्स होते हैं, जिसमें से अभी हम पिस्टल की बात कर रहे हैं। पिस्टल में हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस 4 होते हैं, तो हम इन सारे ऑप्शंस को टेस्ट करने वाले हैं। तो पहले हम पिस्टल्स को टेस्ट करेंगे। इन पिस्टल्स को पहले हम वेपन स्लॉट में एक्यूप कर लेते हैं। अब जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें हम कस्टमाइज का भी ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें हम सप्रेसर और जो भी चीज़ें हैं एक्सटेंडेड वो देख सकते हैं। जैसे इसमें एक्सटेंडेड बैरल हो गया, नाइट साइट हो गया, रेड डॉट अवेलेबल है हमारे पास, रिफ्लेक्स साइट भी है। सो हमने रेड डॉट परचेज कर लिया है और एक्सटेंडेड बैरल भी। अब ये है हमारे पास कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस, जिसमें हम पेंट जॉब सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जैसा भी आपको पेंट जो भी अच्छा लगे वो आप बाय कर सकते हो। सो हमारे पास वेपन्स के जो ऑप्शंस है वो आपने देख लिए, अब हम इसको ट्राई करने वाले हैं। हमने राउंड गन के जो हैंड गन के जो राउंड्स होते हैं वो भी परचेस कर लिए हैं। अब हम इस मेटल बॉक्स पे ट्राई करने वाले हैं। ये डिफॉल्ट सेटिंग है जिसमें मैं कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, सो इससे हमें पता लगेगा कि इस गन की रिकॉयलिंग और टारगेट कैसा है। सो इसकी रिकॉयलिंग बहुत ही बेकार है। अब हम दूसरे गन को टेस्ट करते हैं, इसकी भी रिकॉयलिंग जो है बहुत ही बुरी है। फिर ट्राई करते हैं। अब ये आता है तीसरा गन जो साइलेंसर के साथ है, इसकी रिकॉयलिंग जो है और गन से बेटर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और सबसे बेकार रिकॉयलिंग जो है इसी गन की है। इसके बुलेट्स कहाँ कहाँ स्प्रेड हो रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब हम दोबारा आते हैं वेपन स्लॉट में और अब हम टेस्ट करने वाले हैं एसएमजीज़ को। सो एसएमजीज़ के हमारे पास ऑप्शंस देखिए कितने हैं। स्कॉर्पियन हो गया, A2000 हो गया, MP5 है, BZ19 है एंड वेक्टर है। तो हम सबको टेस्ट करने वाले हैं स्लॉट में लगा के। सो अभी तक जो सबसे अच्छी रिकॉयलिंग स्पीड है वो हमारे पास BZ19 की है। और अब हम ट्राई करने वाले वेक्टर। सो
सो वेक्टर की रिकॉलिंग अगर आप देखेंगे इधर तो वो भी बहुत बेटर है। अब हम ट्राई करते हैं शॉटगन। शॉटगन के हमारे पास 3 रेंज है इसमें। तो हम देख पा रहे हैं कि इस शॉटगन की जो स्प्रेड है वो काफी अच्छी है। अब हम ट्राई करने वाले हैं असॉल्ट राइफल्स। असॉल्ट राइफल्स हमारे पास इसमें 6 मिलते हैं, 6 टाइप के। हम सारे को एक एक करके ट्राई करते हैं। इन सारे असॉल्ट राइफल की अगर आप रिकॉइलिंग देखेंगे तो कुछ खास नहीं है। तो इसकी रिकॉइलिंग फिर भी थोड़ी सी ठीक है, लीनियर वे में है। सो अब हम चलते हैं स्नाइपर राइफल्स की रेंज में। हमारे पास स्नाइपर राइफल्स जो इसमें मिलती है SVD, M700 एंड Z93। इन सारे स्नाइपर राइफल को हम कस्टमाइज कर सकते हैं।
सो अब हम बात करने वाले हैं LMGs की। सो LMGs जो होती है वो लाइट मशीन गन्स होती हैं। सो लाइट मशीन गन की अगर हम रिकॉयलिंग की बात करें तो ये काफ़ी ठीक जा रहा है, फिर भी जैसे जैसे हम इस स्लॉट में नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे अब लाइट मशीन गन की आवाज़ से डॉग्स जो होते हैं वो बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं जैसे ही स्टार्ट करता हूँ तो डॉग्स आ जाते हैं। अब देखो फिर से डॉग आ गए इधर, तो इसकी तो हम चटनी बना देंगे। तो अब हम चलने वाले हैं लॉन्चर्स पे। लॉन्चर्स में हमारे पास ऑप्शंस है RPG-7 एंड GL-94। RPG होता है रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, सो अब हम इसे टेस्ट करने वाले हैं कहीं और। इसकी डैमेज देखिए रेशियो बहुत अच्छी है। तो अब हम इसमें थोड़ा टेस्टिंग और मज़े लेते हैं। और इसकी वजह से इधर आग लग चुकी है जंगल में। अब हम GL-94 टेस्ट करने वाले हैं। इधर पहले से ही फायर लग चुकी है हर जगह। सो ये गन जो है एक तरीके से ग्रेनेड को थ्रो करती है काफ़ी दूर तक। और इससे जंगल में आग लगाने में काफ़ी मज़ा आता है। अब हम चलते हैं कुछ स्पेशल वेपन में जिसमें हमारे पास है रिपेयर टूल, फ्लेयर गन, रिकर्व बो और फ्लेम थ्रोअर। सो हम सारे जितने भी ये स्पेशल वेपन्स हैं उनको हम वेपन स्लॉट में पहले एडजस्ट करते हैं, फिर हम एक बार ट्राई करते हैं। सो रिपेयर टूल बेसिकली जो होते हैं जो कार्स और गाड़ियाँ ख़राब हो जाती है व्हीकल्स उनको सही करने के लिए होता है, बट इसको हम एज अ वेपन भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कोई भी पायरेट हुआ या कुछ हुआ तो हम उसको जला भी सकते हैं। ये हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट में होता है तो इसका ऐसा कुछ भी इशू नहीं होता कि गैस ख़त्म हो गया या बुलेट ख़त्म हो गई जैसे दूसरों के साथ होता है। ये हमारे पास आ गया फ्लेयर गन। अब इसमें फ्लेयर गन का क्या यूज़ है ये मुझे पता नहीं है, बट अब अगर कुछ लोग हैं जब हम फ्लेयर गन उधर चलाते हैं तो उनकी आवाज़ आती है उधर से, क्योंकि वो कुछ स्पेशली उनको फील होता है या डर जाते हैं। ये है हमारा बो एंड एरो। तो काफ़ी साइलेंटली किसी भी आर्मी को या किसी भी पायरेट को टेक डाउन करने के लिए सबसे इजी वे है। और ये है हमारा फ्लेम थ्रोअर। अब इसका हम टेस्ट करने वाले हैं लिविंग ह्यूमंस पे। ओह नो, हमने अपने ही लोगों को इधर टेस्ट कर लिया जला के। इसको टेस्ट करने की वजह से सारे जंगल में आग लगने वाली है धीरे धीरे।
अब हम और भी आग को भड़काने वाले हैं। कंज्यूमेबल्स में आते हैं हमारे पास मेडिसिन एंड बॉडी वार्मर। मैप्स हमें परचेज करने होते हैं। सो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक या तो आप आउटपोस्ट लिबरेट करते जाइए और धीरे धीरे मैप रिवील होता जाता है, या तो आपके पास मनी है तो आप मैप खरीद सकते हैं और वो रिवील होने लगेगा। अब सिग्नेचर वेपन्स तो मैं ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में बना चुका हूँ। ये हमारे पास है मेली वेपन्स, जिसमें मशेटी और जैपनीज टेंटो अवेलेबल है। सो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी फार क्राई 3 के ऑल वेपन्स पे। मैं ऐसी और भी वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए।